मराठा साम्राज्य के शलाका पुरुष रहे बालाजी जनार्दन भानु, जिन्हें नाना फडणवीस के नाम से जाना जाता है, का जन्म 12 फरवरी सन 1742 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। 1756 में नानाजी के पिताजी की मृत्यु के बाद पेशवाई की फडणवीसी नाना को मिली। वे 14 वर्ष की आयु में ही फडणवीस बने और फडणवीस का कार्य होता था राज्य की अर्थव्यवस्था देखना। जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय वे पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। नाना पेशवा के अनुपस्थिति में फौज व छावनी की देखभाल भी करते थे। पेशवा उनसे बहुत प्रभावित थे। शासन अधिकार के समस्त अधिकार नाना को मिल गए थे। आगामी 10 वर्ष में पेशवा के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक छत्र के नीचे एकत्र करने का कार्य किया। नाना फडणवीस की दूरदृष्टि और कूटनीति के दम पर ही पानीपत की हार के बाद मराठा साम्राज्य पुनः खड़ा हो पाया था। नाना की योजना अनुसार मराठों ने टीपू सुल्तान को हराया। कुछ ऐसे क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए जिन्हें टीपू ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया था। उन्होंने निजाम को परास्त किया। 13 मार्च 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। उनकी विलक्षण चतुरता, कूटनीति तथा दूरदर्शिता के कारण अंग्रेज, निजाम और टीपू सुल्तान तीनों इनसे घबराते थे। इतिहासकारों का मानना है, यदि नाना फडणवीस कुछ वर्ष और जीवित रहते तो वे भारत पर अंग्रेजों की सत्ता कभी नहीं स्थापित होने देते।